अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पंजी बाबा में फिर घरों में पानी दाखिल होने का वाकया पेश आया है। पंजी बाबा का निचला हिस्सा एक बार फिर पानी की जद में आ चुका है। यहां आज कारपोरेटर शिवाजी मंडोलकर और मेयर सविता कांबड़े और कारपोरेशन मोहकमा ने जायजा लेकर मसले को जल्द हल करने का वादा किया। इससे पहले भी कई बार पंजी बाबा शिवाजी नगर में बारिश के पानी से दरपेश मसले को हल करने की कोशिश की गई, कुछ हद तक कामयाब भी हुए कह सकते हैं। अल्लाह ताला झंडे के नजदीक पानी को बाहर जाने के लिए नाले को वसी कर बीजापुर नाले तक खुदाई करने के काम को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसा भी बताया गया। हाईवे अथॉरिटी ने भी इजाजत दी है, ऐसा कारपोरेटर रेशमा भैरकदार और कारपोरेटर शिवाजी मंडोलकर ने बताया। बारिश के जमा हुए पानी को मोटर के जरिए बाहर निकालने का काम जारी किया हुआ है। आइए देखते हैं यहाँ की एक रिपोर्ट। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। शिवाजी नगर या पंजी बाबा में पानी, ये हर साल का मसला है। इस मसले को लेकर यहाँ के अवाम भी परेशान है और बेजार है, लिहाजा हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कारपोरेटर शिवाजी मंडोलकर साहब। शिवाजी मंडोलकर साहब, ये हर साल का मसला है, बारिश का पानी है मान लेते हैं, लेकिन इसके लिए कोई रास्ता अब तक क्यों नहीं बनाया जा रहा? वाकई क्या परेशानी प्रॉब्लम है सर? इसके वास्ते सब करे सो है, अभी नाला भी बनाए सो है और हाईवे नेशनल अथॉरिटी के इसके वजह से परमिशन भी लिए सो है। अभी ये परमिशन होने के बाद में जो ये परमानेंट सॉल्यूशन हम निकाले सो है। हमारे साथ हमारे अंकित सर भी है, उन्होंने हमें और हमारे 12 नंबर वार्ड के रेशमा भैरव नंबर दोनों मिला के वो जो नाला बड़ा करने का है उसके लिए सक्सेसफुल हुआ है। अभी वो आगे इसके बाद में बरसात होने के बाद में पानी पूरा बड़े पाइपा डाल के निकालने वाले हैं। तो कहीं हर बरस जितना पानी आता है उतना तो पानी नहीं आया है और बरसात भी ज़्यादा है, उसकी वजह से थोड़ा ब्लॉकेज हो रहा है। अभी ये हम इसके लिए पानी मतलब काटने आखिरी बार समझ सकते हैं हम। यस यस, ये पंजी बाबा शिवाजी नगर जमात है। ये अभी लास्ट 5-6 साल से मैं ऑलरेडी इसके पहले भी हमारे इत्तेहाद न्यूज़ वालों को न्यूज़ दे चुका हूँ कि जितने भी इसके कम्युनिटेटर है, जो है PWD है, फिर जितने भी इसके कॉरपोरेशन है, जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है, 8.5 समथिंग करोड़ वो गटर के लिए सैंक्शन किए पैसे, लेकिन अभी तक जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन है। जितने भी कमिश्नर आए देखता है जाता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अभी ये पंप निकाल के हमारे शिवाजी मंडोलकर साहब पूरे हमारे गली के बच्चे, यंग जवान बच्चे मिलकर है कि नहीं, ये पंप निकाल कर पानी निकाल रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। पैसा पब्लिक का लेते हैं लेकिन पब्लिक ही परेशान है। घरों में पब्लिक में पानी घुसता है और पब्लिक ही परेशान है। हर कमिश्नर आता है देखते है, विजिट करते जाता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन है। हम बोल रहे हैं वो झंडे पास क्या, उधर का स्लैब 200-300 फुट स्लैब है, उधर का स्लैब निकालो, निकाल के देखो। एक्चुअली 10 तरफ का पानी आ रहा है, जा रहा है एक गटर में, 7 समझो ये है, तो 10 तरफ का पानी आ रहा है, एक इसमें से जा रहा है, तो पानी कितना फिर बैक आएगा? फिर 8.5 करोड़ सैंक्शन लेके पूरा उसका पैसा लेकर फायदा क्या? नहीं फायदा कुछ भी नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं। अगर कोई वो गरीब कोई बात करता है तो उसको पूछता है, और बड़ा इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ये जितने भी पंजी बाबा शिवाजी नगर है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, पूछे तो उल्टा बोलता है। तो इसके लिए जितने भी डिपार्टमेंट है, इवन DC साहब हमारे रोशन साहब है, और इवन कमिश्नर साहब है कॉर्पोरेशन कमिश्नर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाल के है क्या भी इसका मसले का हल निकालना, क्योंकि बोले गरीब आवाम है पूरी, और रात को पानी भरा तो इसका तकलीफ होती है। अब सबसे रिजर्व है और इत्तेहाद न्यूज़ वालों से भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, वो जैसा हम फोन करते हैं आके न्यूज़ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महापौर मैडम। मैडम, ये हर साल का मसला है, हर साल लोगों की परेशानी होती रहती है, सर्वे होता है, वादे कसमी भी होते हैं कि ये पानी चला जाएगा, लेकिन फिर भी ये मसला बरकरार है, क्या इस साल ये आखिरी पानी इस तरह से समझा जाए? ಸರ್ ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕಂತೂ ಈಗ ಬಂದದ, ಈಗ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ನೀವು ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗಿತಿರಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಂತ 58 ವಾರ್ಡ್ದಾಗ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ।
ಅದು ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾ 5 ವರ್ಷ ಹೇಳಾಕ್ತಂದ್ರಿ 5 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೇಳಾಕ್ತಂದ್ರಿ ಅದ ಜಂಡ ಮುಂದೆ ಗಟ್ರಾಗಿ 300-400 ಫೂಟ್ ಇದ್ದೈತ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಅದ್ರ ಯಾಕೆ ತಗಾಕ್ತಾರ ಅಲ್ರಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಗುದ್ದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಚರಾ ಸೇಮ್ ಅಂಶ ಲೋಕಪನ ಐಕಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಜೌನ್ ತು ಜಮಾ ಜಾಲ ಅದು ಸಾತ್ ಆಟ ಫೂಟ್ ಖಾತೆ ಗಟರ್ ಕಟ್ಟದ ಕಾಮ ಆಮ್ಮ ರಿಕ್ಸ್ ಘೇತ ನಾಯಿ ಕಾಯ ಜೆಸಿ ಬಿ ಕರಾಯ ಸಗಳ ವರ್ಷ ಕೊಡಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಷಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ 18-20 ಡಬ್ಬರ್ ಮೇಡಮ್ त्याच्यासाठी आता ते फंड पण सँक्शन झालेलं आहे ते त्या ब्रिजच्या खंडाच्या मोठा हे होणार आहे हे तेवढं सोल्युशन झालं तर इथला प्रॉब्लेम सॉल्व होतो ते आता हे काय पण नाही मॅडम हे आपर्सेंट असेल काय पोस्ट पण जास्त त्यामुळं ते तुंड आहे सगळं आणि मेन म्हणजे सगळ्यात मोठं बेळगावचा प्रॉब्लेम बेळारी नाल्यामुळं आला आहे बेळारी नाला आता 10-15 फूट 110 फूटचा नाला आहे तो नाला 20 फूट 15 फूटवर आला आहे पण तिथनं जर तयार झालं तर हे पाणी कुठं जाणार मॅडम